केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी युवा सड़कों पर उतरकर योजना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला बताया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जहां युवा अपने रोजगार के साथ देश की सेवा का सपना पूरा करने को लेकर मेहनत कर रहे थे, वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से सभी युवाओं में निराशा और रोष पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री हैं कि दिल्ली से कुछ भी लॉन्च हुआ और एकदम से कहना शुरू कर दिया कि हां बहुत शानदार काम हो गया, और किसान आंदोलन में भी ये अंत समय तक ये कहते रहे कि कोई समझौता नहीं होगा, किसी को नहीं माना जाएगा, और अब भी इन्होंने शुरू होते ही जो है युवाओं के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। और इसका पता तो इनको आगामी चुनावों में पता लगेगा, जो तीन महीने के बाद होने जा रहे हैं, उस चुनाव में इनको पता लग जाएगा कि अग्निवीर कितनी किसे ही योजना है। एक तो नंबर वन कि आर्मी के लिए आपने जो है परीक्षा ले रखी थी, और बहुत से युवा जो है लगातार जो है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उसका नतीजा आएगा। हम लोग भी इस बात की मांग कर रहे थे कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। इवन इनके पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्र को पत्र लिखा कि उसका नतीजा निकाला जाए, लेकिन वो परीक्षा ही रद्द कर दी गई। और परीक्षा रद्द करके जो है ये अग्निवीर लॉन्च कर दिया। अब हिमाचल तो जो है जहां देवभूमि है वहीं वीरभूमि है। हिमाचल के युवा जो है भर्ती करते हैं उस हिसाब से, कहीं से मॉडल कॉपी किया, विदेशों से किया, जो भी किया, लेकिन ये मॉडल जो है, जबकि 2.5 मिलियन जो है सैनिक लेके चाइना बैठा है बॉर्डरों पे, और यहाँ पे जो है ठेके पे लोग बैठाने की बात हो रही है, जब वो हमारी सीमाएं कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं और विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं, उस समय जो है ये हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स हर तरफ जो है तीनों सेनाओं में जो है ठेका प्रथा लाने पे चल रहे हैं। और सेना में तो लोगों को अपनी रेजिमेंट से बहुत प्यार होता है, अभी इनका तो रेजिमेंट का खाप भी टूट जाएगा, जो इमोशनल टाई होती है कि हम किस रेजिमेंट से आए, कहां से आए हैं, तो 4 साल में तो वो भी पता नहीं लगेगा। तो ये स्थितियां जो है, और खासतौर पे हिमाचल के तो बहुत लोग सेना में जो भर्ती होते हैं उनके उनके स्वप्न टूट गए, उनके ख्वाब टूट गए, उनके भर्ती का जो लोग सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में घूम जो है दौड़े लगा रहे थे। केंद्र सरकार के विशेष तौर पे रक्षा मंत्रालय की जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी सेनाओं के साथ उनकी प्रतिष्ठा के साथ तो खिलवाड़ है ही, देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा और फ्रेब हो रहा है। और जिस तरीके से इस योजना को लॉन्च करने का प्रयास हुआ है, उससे पूरे देश में युवा आक्रोशित हैं और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज पूरे प्रदेश में लोगों ने इसका विरोध किया है, युवाओं ने इसका विरोध किया है, और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जबकि हिमाचल दौरे पे हैं, उस दौरान जो है धर्म घोटाला हो रहा है, यहाँ डिग्रियों में भी घोटाला हो रहा है, स्कॉलरशिप में भी घोटाला हो रहा है, नौकरियों में भी घोटाला हो रहा है। युवा तो प्रदेश के जो है इतने विचलित हैं कि इस ऐसी सरकार कभी नहीं आई किसी भी प्रदेश में जिसने कि नौकरियों में फ्रेब किया हो, लूट की हो। अब देखो पुलिस का तो 2020 में भी यही हुआ,
कि नौकरियां जो है वहां पे बेची गई, 2022 में भी बेची गई, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो है वो जो 20,000 लोगों ने टेस्ट दिया था वो पे पर्चा भी लीक हुआ, यूनिवर्सिटी के पर्चे भी लीक हो रहे हैं, दर्जनों केस जो है अदालतों में चल रहे हैं और ये सारा हालात बने हैं। और प्रदेश के बाहरी लोगों को नौकरियां देने, सचिवालय में देने या जूनियर इंजीनियर्स में देने या दूसरा देना वो जो है, और मुख्यमंत्री बाहर के प्रदेशों में जाके भी इन्विटेशन लोगों को देते रहे कि आओ और हम जो है आपको प्रदेश में नौकरियां देंगे। भाई अपनों के लिए है नहीं, आप बाहर से इन्विटेशन दे रहे हो कि आपको मैं नौकरियां दूंगा, तो सिर्फ चोर बाजारी से, लूट से। ये नौकरियों की जो इस बार बोली लगी है, जो सौदेबाजी हुई है या सिफारिश पे काम हुआ है, ये एक काला अध्याय है इस प्रदेश के लिए। लेकिन सेना का जो है मुद्दा, अग्निवीर योजना जो है, इसने प्रदेश और देश के युवाओं का जो है दिल तोड़ दिया है और सेना की प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा आघात लगाया है इस योजना ने, जो कि रेगुलर सर्विस जो है, जो जिसको देश विदेश में जो है, जिस सेना ने जो है अहम रोल प्ले किए हैं वहाँ पे ठेकेदार योजना शुरू करने का जो है, इन्होंने वैसे तो देश बेच रहे हैं, ये लगातार बेच रहे हैं, कभी हवाई पट्टियाँ बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, कभी रेलवे बेच रहे हैं, कभी LIC बेच रहे हैं। अब एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। सेना में ठेका, सेना में भी ठेकेदार।